देश के सामने बीन बचाई, देश करीब बचाए, देश के सामने बीन बचाई, देश करीब बचाए। पशु विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पशु विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तमो पहले लंपी वायरस और अन्य तीन विषय को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में गौ हत्या, लंपी वायरस से ग्रसित गौ जो मर रही है उनके लिए, और अवैध ऊचर खाड़े तोड़ने के लिए। तीसरा, जो सरकार ने वादे किए हैं और गौशाला संचालित हो रही उसमें हो रही अनियमितताओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आज हम लोग जिला प्रशासन को होश में लाने आए हैं, क्योंकि चिकित्सालय चल रहा है, पशु चिकित्सालय, वहाँ के सारे अधिकारी मोटी मोटी रोटी खा के और रकम खा के सो रहे हैं और चिकित्सा के नाम के सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज हमने भैंस का उदाहरण इसलिए दिया गया, हम किसी पशु का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन भैंस के सामने बीन बजाने के बाद ही भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम पशु चिकित्सालय में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उनके कानों में कोई जू नहीं मोक रही है और अपने अपने प्राइवेट चिकित्सालय वो चला रहे हैं और वहाँ से मोटी रकम वसूल रहे हैं, लेकिन वो सरकार से पैसा लेते हैं जॉब करने का, लेकिन वो यहाँ वहाँ से आके चिकित्सा करते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ जाते हैं, पर्सनल चिकित्सा देते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। हम कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करते हैं, जितनी भी गौशालाएँ यहाँ दमों में चल रही हैं, लगभग 35 गौशालाएँ चल रही हैं, उनका निरीक्षण करें, कितनी गौशाला उसमें उपस्थित हैं, कितनी नहीं है, क्योंकि 20 रुपये पर गौ के हिसाब से यहाँ पर उनको भुगतान किया जाता है और गौशाला के मालिक 200, 400, 500 गौ वंश वहाँ पर लिखवा के उसका पैसा ले रहे हैं। तो कृपया का कलेक्टर साहब हर गौशाला में जाके उसका निरीक्षण करें, कितनी गौ उनके पास अवेलेबल है और कितना भुगतान उन्होंने आज तक लिया है।